हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अगर आपको जानना है कि आज हम किस बर्ड के बारे में बात करेंगे तो आप ये पहले बर्ड ब्रेन क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व द रिडल। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना, ये चकदाना इंडिया नेशनल बर्ड पीकॉक के बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऐसे पक्षी को चुनना चाहता था जो हमारे कल्चर्स, वैल्यूज और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ऐसा पक्षी जो इंडिया के लिए स्पेशल है और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, और जो हर एक इंसान, छोटे से बड़ा, कोई गरीब से अमीर, सब लोग पहचान पाए, जो इंडिया से कनेक्ट कर पाए। दैट्स राइट, इसलिए उन्होंने मोर को चुना जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेशनल बर्ड हुआ तो क्या है, मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी रिस्पेक्ट दो। मोर ग्रेस, प्राइड और ब्यूटी का प्रतीक है। इन द वर्ल्ड देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ पीकॉक्स। द फर्स्ट इज आर इंडियन ब्लू पीकॉक, द सेकेंड हमारा ग्रीन पीकॉक जो इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, एंड द थर्ड इज द कॉन्गो पीकॉक विच इज फाउंड इन अफ्रीका। वो ग्रीन और ब्लू पीकॉक से बहुत अलग दिखता है and it's very different, but green and blue peacock are very similar to each other, but aaj hum blue peacock ke bare mein baat karenge jo india ka national bird hai। Indian peacock bahut hi khoobsurat dikhta hai, uske sar pe ek fan shape ka crest hota hai, use uska mukut bhi kehte hain, uske pankh bahut khoobsurat dikhte hain, uske tails mein around 200 feathers hote hain and they are as long as 80 to 90 inches। उनके पंख, उनके फेदर्स को ट्रेन कहा जाता है। You know what I think? Black is the new beautiful। आपको पता है कि जिन पंखों के वजह से ये जाने जाते हैं उनको पाने के लिए पीकॉक को कोई हार्म नहीं किया जाता। इन फैक्ट पीकॉक अपने आप ही ये मोर पंख शेड करते हैं आफ्टर द मानसून सीजन। आपने ये तो सुना ही होगा कि बारिश आते ही मोर नाचने लग जाता है। ये इसलिए है क्योंकि बारिश में ही वो अपने राइट पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करता है। वो फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए नाचता है और दिखाना चाहता है कि वो सबसे अच्छा है। इज अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन, उसके टेल्स ब्राउन कलर के होते हैं, उनके पास ट्रेन लाइक फेदर्स नहीं होते जैसे पीकॉक के पास होते हैं, उनका वजन भी कम होता है। इट इज एज इफ पूरा मेकअप के पीकॉक ही उठाकर लेके गया। पीचिक्स आर बॉर्न विदाउट द फेदर्स, इन फैक्ट बोथ मेल फीमेल पीचिक्स लुक लाइक देयर मदर। 6 मंथ्स बाद ही इनमें कोई डिफरेंस दिखाई देने लगता है। इनफैक्ट आफ्टर 3 इयर्स मेल चीक्स के फेदर्स डेवलप होते हैं, तब तक इनके पास कोई फेदर्स नहीं होते। पीचिक्स, डू यू नो देयर आर एक्चुअली व्हाइट पीकॉक्स? नाउ इट्स ओनली बिकॉज वो जो कलर पिगमेंट है वो उनके बॉडी पे या उनके फेदर्स पे पास ऑन नहीं हो पाया। टुगेदर दीज बर्ड्स आर कॉल्ड पी फाउल। मेल पी फाउल को पीकॉक कहते हैं, फीमेल पी फाउल को पी हेन कहते हैं, एंड द बेबीज आर कॉल्ड पी चीक्स।
पीकॉक्स रात को झाड़ों के ऊपरी ब्रांच पे सो जाते हैं ताकि कोई प्रेडेटर्स उन पे अटैक ना कर सके. पीकॉक्स यूजुअली खाना फॉरेस्ट फ्लोर पे ही ढूंढते हैं. वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टमेटोज, चिली, पोटेटोज, बनानास खाते हैं. दे इवन ईट रैट्स एंड स्नेक्स. डिड यू नो पीकॉक्स कैन फ्लाई? दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स. हैव अ लुक एट दिस.